हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और ये है मेरे पास में 160 अपाचे BS6। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि अपाचे के RPM क्या आप लोग सेट कर सकते हो, या कोई भी इंसान अपाचे का RPM कम कर सकता है। जो आज के टाइम में अपाचे के RPM 2000 आ रहे हैं, स्टार्ट होने पे 2000 रहते हैं, गाड़ी गर्म होने के बाद 1400 पे आ जाते हैं, तो क्या उसके RPM कम कर सकता है। काफ़ी लोगों का मेरे पास में कमेंट आया हुआ है कि आप RPM कम करके दिखाइए, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है। तो मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैंने भी एक दो वीडियो देखी यूट्यूब पे, उसी के बारे में मैंने बात करनी है कि उन वीडियो के आधार पर उसी तरीके से क्या आप RPM इसके कम कर सकते हो या नहीं। अब जैसे ये 160 अपाचे न्यू है मेरे पास, मैं इसको स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अभी आप देख सकते हो इसका मीटर वीटर सब चालू है, गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई है, तो ये ऑटोमेटिकली गर्म होने के बाद इसके RPM खुद कम हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली गर्म होने के बाद इसके RPM खुद कम हो जाएंगे। जो हमारा यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ होता है वो इसी काम को करता है, इसका संकेत भेजता है। हमारा जो इंजन टेम्परेचर सेंसर है वो संकेत भेजता है कि अभी गाड़ी ठंडी है, तो ये एयर ज़्यादा दे के रखता है। जब गाड़ी हमारी गर्म हो जाती है तो वो संकेत भेजता है कि हमारी गाड़ी गर्म हो चुकी है, तो वो एयर कम भेजता है। तो ये हमारा जो है, जो ये सेंसर है, इसका नाम है हमारा स्टेपर मोटर बोल देते हैं, इसको स्टेपर मोटर बोल देते हैं। बाकी मैं कमेंट में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, और मैंने सेंसर के डिटेल के बारे में भी वीडियो बनाई है। तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि जैसे हमारी गाड़ी ठंडी है, गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा रहे हैं, उसके बाद हमारा इंजन टेम्परेचर सेंसर की वायर को निकाल दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, इंजन टेम्परेचर सेंसर की वायर अगर हमने हटा दी तो गाड़ी को कोई संकेत ही नहीं पहुंच रहा है कि गाड़ी गर्म है ठंडी है। तो गाड़ी को ठंडी का संकेत पहुंच रहा है तो गाड़ी के RPM ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फिर वो इंजन टेम्परेचर सेंसर की वायर को लगा के दिखा देते हैं कि कम हो गए। कुछ लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक एलकी का बोल्ट है, ये वाला जहाँ मेरी उंगली है यहाँ पर एक एलकी का बोल्ट है, इसको खोलने से या टाइट करने से इसके RPM कम ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं क्लियरली बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस एलकी वाले बोल्ट को खोलने की कोशिश करोगे तो आपकी थ्रोटल बॉडी भी टूट सकती है, जो कि 5 या 10 हज़ार रुपये की थ्रोटल बॉडी है सेंसरों से अलग। तो आप ऐसी कोशिश कभी मत करना। अपाची के RPM कभी भी कम नहीं होंगे, कोई मैकेनिक कोशिश कर ले या किसी भी तरीके से कोई इंसान कोशिश कर ले, इसके RPM जो कंपनी ने दिए हैं BS6 के, वो कम नहीं होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि गर्म गाड़ी के RPM ज़्यादा रहेंगे और गाड़ी ठंडी होने नहीं ठंडी गाड़ी के RPM ज़्यादा रहेंगे और गाड़ी गर्म होने के बाद RPM ऑटोमेटिकली इसके कम हो जाएंगे। हमारा इंजन टेम्परेचर सेंसर संकेत भेज देगा कि हमारी गाड़ी गर्म हो चुकी है, तो ये एयर को थोड़ा कम कर देगा। जो हमारी स्टेपर मोटर है ये एयर को कम कर देगी, वहीं हमारे RPM कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, एक कंप्लेन मेरे पास काफ़ी आ रही है कि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि हम गाड़ी दूसरे गियर में या तीसरे गियर में चल रही है हमारी गाड़ी, तो उसमें क्या बता रहे हैं लोग कि जैसे चल रही है गाड़ी हमारी तो हम रेस छोड़ देते हैं, क्लच छोड़ के रखते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती रहती है, तीसरे गियर में 30 की स्पीड पकड़ती रहती है हमारी गाड़ी। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कंपनी ने RTR सीरीज़ में, TVS की RTR सीरीज़ में GTT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो हमारी स्टेपर मोटर के अंदर यहाँ लगी हुई है। उससे होता क्या है कि कंपनी ने इसको इसलिए बनाया है कि अगर ट्रैफिक में आप कहीं चल रहे हैं तो आपको रेस देने की ज़रूरत नहीं है, इतनी स्पीड गाड़ी खुद ही पकड़ती रहेगी, पाँचवें गियर में आपकी गाड़ी 50 की स्पीड पकड़ेगी। और ये हमारी 4V में है, 2V में है और अपाचे RR में है, 200 में है। GTT टेक्नोलॉजी चारों RTR सीरीज़ में लगी हुई है, तो इसको आप कभी भी प्रॉब्लम ना समझे, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनी का एक फ़ीचर है, तो इसको फीचर ही मान के चले आप।
और आरपीएम कम करने की कोशिश कभी भी अपाचे की ना करें आप, इसके आरपीएम कम नहीं होंगे। अब लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इस सेंसर की वायर को हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा होने लगती हो। अब जैसे गाड़ी बंद करके दोबारा से वो दिखा देते हैं इस सेंसर की वायर को लगा के, ये तुरंत संकेत भेज देता है कि हाँ हमारी गाड़ी गर्म हो चुकी है, तो हमारी आरपीएम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हम अपने चैनल पर इसी तरह के टेक्निकल वीडियो रोज़ाना लाते रहते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।